नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही मेरठ में, टक्कर लगने के बाद कावड़ हुई खंडित तो कावड़ियों ने मचाया बवाल, कार में की तोड़फोड़, दाढ़ी वाले ड्राइवर की जमकर कर दी पिटाई। यूपी के मेरठ में एक बार फिर कावड़ियों का बवाल देखने को मिला है। दरअसल एक कार से टक्कर हो जाने के बाद कावड़ियों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। कावड़ खंडित करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कार के ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाला और बुरी तरह से उसकी पिटाई शुरू कर दी। पुलिस इस दौरान उन्हें समझाने की कोशिश करती रही। यूपी के मेरठ में कार से टक्कर लग जाने के बाद कावड़ियों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल रोंग साइड से आ रही एक कार ने कावड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद साथ चल रहे तमाम कावड़िये नाराज हो गए और उन्होंने कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कावड़ को खंडित करने का आरोप लगाते हुए कावड़ियों ने कार के चालक को जमकर पीट दिया। घटना के बाद वहां मौजूद पुलिस गुस्साए कावड़ियों को मनाने में जुटी हुई है। यह घटना परतारपुर थाना क्षेत्र के काशी टोल प्लाजा के पास हुई। आपको बताते चले, इससे पहले भी ऐसा एक मामला हरिद्वार में सामने आया था। हरिद्वार के रुड़की में कावड़ियों ने एक ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई की दी थी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा में भी जमकर तोड़फोड़ की थी। इस दौरान पुलिसकर्मी भी कावड़ियों को समझाते रहे, लेकिन उन्होंने पुलिसकर्मियों की एक भी नहीं सुनी और लगातार ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते रहे। वहीं घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि एक दिन पहले ही यूपी के मुजफ्फरपुर में भी कावड़ियों ने एक पेट्रोल पंप पर भी हंगामा मचाया था और तोड़फोड़ की थी। कावड़ियों ने मंसूरपुर पेट्रोल पंप के ऑफिस में पंप कर्मचारियों को जमकर पीटा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कावड़ियों द्वारा आम की गुठली फेंकने से मना करने के बाद में ये हंगामा हुआ था। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज़।